हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। टुडे वी आर हियर फॉर द रिव्यू ऑफ न्यू बाइक ओमो मुनार। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इसको एक मंथ से यूज कर रहा हूँ और मैंने अराउंड 500 किलोमीटर इस पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक 180 किलोमीटर की राइड भी थी और एक हिली राइड भी की है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको इसके प्लस पॉइंट बता सकता हूँ, नेगेटिव पॉइंट बता सकता हूँ इन द टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम ऑफ द बाइक। हमें इसमें जो मटेरियल मिलता है दैट इज 6061 अलॉय मटेरियल। ये मटेरियल काफी लाइट वेट है और काफी ड्यूरेबल है। जैसे कि मैंने इस पर लॉन्ग राइड की है और हिली राइड की है, तो ये दोनों राइड्स में कहीं ना कहीं बाइक का लाइट वेट होना काफ़ी जरूरी था। उस बाइक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया उन दोनों राइड्स में। जो बाइक का कलर है और जो शेड है वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ द बजट, क्योंकि ऐसे बजट में हमें मोस्टली जो वेल्ड्स मिलते हैं और जो हमारे सारे बाइक की लुक होती है वो काफ़ी एवरेज होती है। बट इस बाइक की लुक आपको ऑलमोस्ट लाइक कार्बन बाइक जैसी लगती है, जो काफ़ी हाई बजट रेंज में आती है। इसमें आपको जो वेल्ड मिलते हैं काफ़ी स्मूथ मिलते हैं और जो पेंट जॉब है वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। आपको मैट जॉब मिलता है जिसमें जो स्टिकर्स हैं वो एम्बेडेड हैं, तो उस पर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि टाइम आपके स्टिकर खराब हो जाएंगे या उनको कोई रस्ट लगेगा। आपको उसमें फ्रेम साइज मिलता है दैट इज ऑफ 19.6 इंचेस, जो कि हर टाइप के राइडर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो 5'4" हो या मेरी तरह 6'1" हो, तो वो इजीली और कंफर्टेबली इसको यूज कर सकता है। हमें जो हैंडल बार मिला है उसकी जो स्टेम है ना, वो काफी अच्छा पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि मैंने जब इसको राइड किया हिल्स में और जब लॉन्ग राइड किया तो दोनों राइड मुझे अलग अलग हाइट चाहिए थी हैंडल बार की, और वो मैंने यूज़ की इसकी बाइक में। तो मेरे को जो यूज़ करते हुए फील हुआ वो ये है कि आपका हैंडल बार ना तो ज़्यादा बहुत नीचे लगता है ना वो काफ़ी ऊपर है, कि आपको काफ़ी अप राइट पोजीशन देगा, ऐसा नहीं फील होगा आपको राइड करते हुए इसको। और इसमें हमें काफ़ी पोजीशन मिल सकती हैं, आपको ऑलमोस्ट 4 लेवल्स मिले हुए हैं, तो आप अपना हैंडल बार उस हिसाब से सेट कर सकते हो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली। बाइक का वेट काफ़ी लाइट है, आपको अराउंड 10.5 kg का इसमें वेट मिलता है विद ऑल द गेयर एंड ऑल द इक्विपमेंट्स। तो आप देख सकते हो कि 10.5 kg का वेट एक रोड बाइक में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है इस बजट में। हमें जो बाइक में फ्रंट फॉक मिलता है वो एक एल्युमिनियम मटेरियल का हुआ हुआ है। ये एल्युमिनियम मटेरियल का होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको काफ़ी कम झटके लगते हैं जब आप इसको राइड करते हो रफ रोड्स में, और जब आप अपहिल कर रहे होते हो तो आपको बाइक काफ़ी लाइट फील होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गियर सेट ऑफ द बाइक, जो कि बाइक की मेन पावर हाउस होता है। हमें इसमें क्लैरिस का गियर सेट मिलता है, जिसमें आपको शिफ्टर्स, इसका जो ड्रेलियर्स हैं वो सारे क्लैरिस के मिलते हैं। आपका जो रेयर कैसेट है उसमें आपको 1128 टीथ मिलते हैं, और जो फ्रंट में है वो 5034 का कैसेट मिल रहा है। ये कैसेट जो टीथ होते हैं ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं अपहिल में, और अब जब हाई स्पीड पर राइड कर रहे हो। मैंने इसको जब अभी राइड लेके गया था अपहिल में, तो मैंने फील किया कि बाइक काफ़ी लाइट फील हो रही है। आपको ऐसा फील ही नहीं होता, गियर बार बार शिफ्ट करो, आप एक गियर डालो और आप इजीली इसको अपहिल पर लेके जा सकते हो। और डाउनहिल करते हुए जो इसका सबसे भारी गियर है वो काफ़ी अच्छा है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई बिगेनर भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि टीथ ऐसी चीज़ है जो हम अवॉइड कर देते हैं बाइक देखते हुए। और मैंने उस बाइक में वो फील करनी थी कि इस बाइक का जो कैसेट है वो कैसा परफॉर्म करता है अपहिल में और लॉन्ग राइड में। सो जैसे कि हम बात करें गियर्स का, तो हम एक बहुत मेजर पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस बाइक का वन ऑफ द मेरा फेवरेट फीचर है, वो है इसका फ्रंट का बॉटम ब्रैकेट। वो एक तो होलो है, होलो टेक है, और वो सील्ड है, मतलब आप इसको किसी भी तरह राइड करो, चाहे रेन में, चाहे आप इसको ऑलमोस्ट अगर रिवर में किसी स्ट्रीम में भी खड़ा दोगे तो बाइक ख़राब नहीं होगी। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपनी पुरानी रोड बाइक को बुर्ज कोटिया लेके गया था, जहाँ पे एक स्ट्रीम जा रही थी, और मैंने अपनी बाइक को गलती से वहाँ पर गिरा दिया, तो वो सारा पानी बॉटम ब्रैकेट में चला गया और मेरा बॉटम ब्रैकेट बड़ी मुश्किल से मैं घर तक पहुँचा, क्योंकि जाम हो जाता है। वो सील्ड बेयरिंग नहीं होती हमारे और सारी बाइक्स में जो इस बजट में मिलती हैं, तो इस बाइक में वो मिल रहा है, तो एक काइंड ऑफ प्लस पॉइंट है। और जो होलो मिल रहा है ना, वो बाइक का वेट यहाँ से यहाँ लेके आ जाता है, बिल्कुल कम कर देता है, तो आपको एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है। और जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, प्रोव्हील ब्रांड का हमें क्रैंक मिल रहा है, जो कि मेरे को काफ़ी स्टडी फील हुआ। अपहिल में हम जब राइड कर रहे होते हैं फुल प्रेशर से राइड कर रहे होते हैं, हमारा पूरा जोर ही मेन बॉटम ब्रैकेट पे होता है, अगर उस टाइम पे बॉटम ब्रैकेट अच्छा ना हो तो वो क्रैक हो सकता है, या आपको ऑन द स्पॉट क्रैश भी हो सकता है, राइड करते हुए क्रैश हो जाता है कभी कभी, तो वो मुझे इसमें फील नहीं हुआ। जो हमें चेन मिल रही है वो KMC ब्रांड की मिल रही है, जो मैंने खुद अपनी पुरानी बाइक में भी यूज़ किया जारविस में। तो KMC की चेन मैंने जो लास्ट जारविस में डाली थी, तो वो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट एक साल चली थी, और जबकि मैं इतनी टफ राइडिंग करता हूँ, इतनी रफ राइडिंग करता हूँ, टफ नहीं रफ करता हूँ, टफ भी बोल सकते हैं उसको, तो वो इतना राइड करने के बाद भी अगर चेन सर्वाइव करती है तो आप मान सकते हो KMC की चेन्स काफ़ी अच्छी होती हैं, जो कि इस बाइक में यूज़ हो रही हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पैडल्स के बारे में। पैडल्स एक ऐसा पार्ट है जो अगर अच्छी ग्रिप नहीं देगा तो आप स्लिप हो सकते हो। एक्चुअली इसको जब मैंने राइड किया है ऑलमोस्ट एक मंथ यूज़ किया, अच्छे से 500 किलोमीटर पूरे किए अपहिल में राइड किया और 180 किलोमीटर की राइड की है, और जो डेली राइड मैं करता ही हूँ, तो मैं इसकी हर एक चीज़ को टेस्ट कर रहा था। मुझे ये नहीं था कि मैंने न्यू बाइक लिया तो उसके एक्साइटमेंट में फटाफट रिव्यू बना देता हूँ कि मैंने न्यू बाइक लिया और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना देता हूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं आपको दिखाया चैनल पे, क्योंकि मैं इसको टेक्निकली बनाना चाहता था, इसको अच्छे से टेस्ट करना चाहता था मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि एक ऐसी बाइक है
जो इस बजट में लोग ले रहे हैं ना वो सीरियस होते हैं, और मैं इस तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बाइक मेरी मापिक है अभी इस रूम में। सो टॉकिंग अबाउट द पैडल्स, पैडल काफ़ी अच्छा वो ग्रिप देते हैं। हमें जो ब्रेक्स मिल रही हैं वो डाउन हिल पे जो मुझे उन्होंने हेल्प किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो काफ़ी ग्रिपी हैं, काफ़ी ईजी टू यूज़ हैं। टेक्ट्रो ब्रांड ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे ब्रांड में यूज़ होता है, जैसे जायंट में होता है और हमारा ट्रैक में होता है। मैंने जैसे इनकी बाइक्स के रिव्यू किए हैं तो मुझे टेक्ट्रो मिलता था वहाँ पे, और मैं सोचता था कि कोई ऐसा ब्रांड क्यों नहीं है जो मेड इन इंडिया हो और वो ये सब लेके आ रहा हो, तो मुझे कहीं ना कहीं ओमो में वो फील हुआ। तो ये भी एक लेवल सेट कर रहा है हमारे अच्छे ब्रांड्स के लिए। इस पॉइंट को आप मान सकते हो कि मैंने क्यों ओमो सेलेक्ट किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हमें इसमें व्हील्स मिल रहे हैं जो डबल वॉल अलॉय रिम में, तो ये भी एक तो लाइट वेट है और जो सारे झटके ईजिली आपको सस्टेन कर देते हैं। हब की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि मेरी जो लास्ट बाइक थी उसमें मैं ऑलमोस्ट एक साल तक तो हब ही चेंज कराता रहा हूँ हर राइड के बाद। अब मैंने जाके उसमें नोवा टेक का हब डलवाया था, बट इसमें हमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छे ब्रांड के हब मिल रहे हैं जो कि एक तो सस्टेनेबल रहेंगे और अच्छी लॉन्ग क्वालिटी चलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द टायर्स, हमें इसमें 7x25C के टायर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, रैलसन ब्रांड के हैं। रैलसन ब्रांड वैसे तो काफ़ी मतलब बेसिक ब्रांड माना जाता है, बट मेरे हिसाब से ना अगर आप मेरा एक्सपीरियंस मानोगे, मैंने तो जैसे 2021 में नेशनल तक भी खेला हुआ है, तो मेरे हिसाब से रैलसन ब्रांड ही एक सेफ ब्रांड मान सकते हैं हम आजकल के टाइम में। मैक्सिस के मैंने टायर यूज़ किए हैं, वो अराउंड 3 या 4 मंथ ही चले हैं मेरे, और ये वाला टायर अभी तक मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ। इस पर एक भी अभी तक पंचर नहीं हुआ है जबकि मैंने काफ़ी रफ रोड्स में भी राइड कर लिया इसको। टॉकिंग अबाउट अनदर पार्ट ऑफ द बाइक, हमें इसमें सैडल काफ़ी अच्छा मिलता है, एरो सैडल है, जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट लुक में देखा, और जब मैंने राइड किया तो वो मेरा जो कह सकते हो आप एक सरप्राइजिंग फैक्ट था कि इतनी कंफर्टेबल सीट है ये। आप जब इसको राइड करते हो तो ये एरो सैडल है। एरो सैडल का मेरा मतलब ये कि इसमें आपको काफ़ी अच्छी मतलब एयर वेंटिलेशन है, तो आप इसको राइड करते हो तो अब आने वाले टाइम में समझ भी आएगा तो मुश्किल नहीं होगी। और जो इसका सैडल पोस्ट है वो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है, जो मैंने इसके पहले वाले बाइक में भी बताया था आपको, जब ओमो की एक हाइब्रिड बाइक थी वो मैंने टेस्ट की थी, वो शायद मेरे एक फ्रेंड की थी, तो उसमें यह था कि हमें सैडल पर मार्क दिया होता है, तो वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आप जब राइड कर रहे होते हो, जैसे कभी कभी आपको फ्रेंड मांग लेता है कि मेरे को बाइक थोड़ा सा टेस्ट करना है, तो आप सैडल को सेट करते हो, देन फिर आप जब उससे वापस लोगे बाइक तो भूल जाते हो कि मैंने कहाँ रखी हुई थी, तो वो एक मार्क मिलता है, तो हम वापस इजीली इसको सेट कर सकते हैं। और हैंडल बार भी हमें इसमें अलॉय का मिल रहा है, और जो हैंडल बार की लेंथ है ना वो काफ़ी परफेक्ट है। मेरा जो फ्रेंड है वो अराउंड 5'4" का है और मेरी हाइट 6'1", तो हम दोनों ने राइड किया तो दोनों को एक सेम फील आई कि हैंडल बार काफ़ी ग्रिपी है। मेरे को ना ज़्यादा छोटा लग रहा था और ना उसको ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो आप देख सकते हो कि हैंडल बार किस हाइट के रेंज तक परफेक्ट रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट सबके लिए परफेक्ट रहेगा। और इसमें हमें एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें इसमें इंटरनल केबलिंग मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट मान सकते हैं हम, क्योंकि आपकी जो केबलिंग होती है ना वो बाइक का मेन पार्ट है, अगर वो अच्छी नहीं है तो रस्ट लग जाएगा, आपके गियर शिफ्ट नहीं होंगे तो आपकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका जो फ्रंट फोक है ना, जैसे मैंने बताया कि एलुमिनियम का है, बट उसकी शेप और जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी एरो है, जैसे कि ओमो की साइट पर भी लिखा हुआ है कि डिज़ाइन बाय IIT इंजीनियर्स, तो IIT इंजीनियर्स ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं खुद भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसकी डिज़ाइन में क्या क्या गलतियाँ और क्या क्या ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने इस बाइक को सिलेक्ट किया था। और जो ओमो है वो कस्टमाइज बाइक भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको काइंड ऑफ एक सेफ रहता है, आपकी चॉइस की बाइक मिल जाती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी इसको राइड करूँगा और आपको व्लॉग्स दूंगा राइड के, तो हम डिस्कस करते रहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। और इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि बाइक का जो हैंडल बार की ग्रिप है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मतलब जब मेरी न्यू बाइक थी जारविस उसमें जो थी वो बिल्कुल ही बेसिक बार टेप थी, वो मेरे पास अभी भी पड़ी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सो ये वो बार टेप थी जो मेरे जारविस में लग के आई थी, काफ़ी बेसिक थी, मैंने इसको ऑलमोस्ट अराउंड 1 या 2 मंथ ही यूज़ किया होगा, और मैंने इसको उतार के रख दिया था और मैं अपनी न्यू टेप लेके आया था इसको लगाई थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें एक तो ग्रिप नहीं बनती, कोई भी इस पर पैटर्न नहीं बना हुआ, बिल्कुल प्लेन है, और जो हमें ओमो में मिलती है वो काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा ग्रिप देती है हमें। और मैंने इसका बाइक का नाम फ्लेम रखा हुआ है, तो मैं बार बार ओमो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फ्लेम ना बोलूँ, क्योंकि व्यूअर्स हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्लेम कौन सी बाइक है, हम तो ओमो मुनार की बात कर रहे थे, तो आप समझ जाना अगर मैंने बीच में फ्लेम बोल भी दिया हो तो मैं इसी की बात कर रहा था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फीचर ऑफ द बाइक, दैट इज़ द प्राइस, क्योंकि हम उसके बारे में ही देखना चाहते हैं कि ये बाइक का जो प्राइस है और जो फीचर्स है वो मैच होते हैं नहीं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जिसमें हम बाइक सेलेक्ट करने की एक गाइड थी, कि आपको जब बाइक लेनी है तो उसके प्राइस और उसके जो फीचर्स हैं मैच होने चाहिए। तो इसका प्राइस आपको मिलता है अराउंड 46 या 47K तक का। आप साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो ओमो की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ इस बाइक का, तो आप चेकआउट कर लेना अगर आपने परचेज करनी हो। फीचर्स की बात करें, इस बाइक का जो प्राइस है 46 या 47 तक का, वो इसको वर्थ इट बनाता है बिकॉज ऑफ द हेलो शाफ्ट, बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम, बिकॉज ऑफ द वेल्डिंग, बिकॉज ऑफ द इसका फ्रेम और जो पेंट जॉब है,
इंटरनल वायरिंग है, बाकी जो सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं ना वो इस बाइक को परफेक्ट बाइक बनाते हैं इस बजट के लिए। अगर आप जाइंट की तरफ जाओगे या आप ट्रैक की तरफ जाओगे, आप खुद देख सकते हो आपको सेम फीचर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट, बट जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का पार्ट होता है वो मिस हो जाता है हमारे लिए। आपको उसमें एरो फ्रेम नहीं मिलेगा, और एरो फ्रेम ना आपको लॉन्ग राइड में बहुत हेल्प करता है, आपको सिर्फ रेसिंग के लिए नहीं हेल्प करता वो। मैंने जब 180 किलोमीटर राइड किया ना उस टाइम पे मैं इसकी स्पीड देख रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं ये भूल रहा था कि इस बाइक मुझे कितना हेल्प कर रही है इतनी लंबी राइड करने में। मैंने 180 किलोमीटर की राइड की आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैंने लास्ट ईयर कोई ट्रेनिंग नहीं की है, मैं आउट ऑफ फॉर्म था, बट इस बाइक ने मुझे कहीं ना कहीं वो फ्लेम दिया कि मैं वो राइड कर पाया और एंड तक मैं उसको सस्टेन कर पाया विद द गुड एवरेज स्पीड। मैं अपहिल गया वहाँ पे इसको सस्टेन कर पाया विद द गुड एवरेज स्पीड। आपकी एवरेज स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मेरी जो अभी जार्विस पे स्पीड आ रही थी विदाउट द ट्रेनिंग वो थी अराउंड 25 तक, और जैसे ही मैं इस पर शिफ्ट हुआ मेरी 28 से 30 के बीच में आ गई अचानक से। वो बाइक का जो फ़र्क होता है ना वो आपको इसमें फील होगा। सो दिस वर्ड्स फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। शेयर विद योर फ्रेंड्स कि आप तो उनको ये बाइक पसंद आ जाए और वो परचेज कर लें, क्योंकि ये बाइक वर्थ इट है। शेयर करने के लिए भी, आपके क्लोज फ्रेंड्स को बताने के लिए भी, क्योंकि ये मेरी तरफ से तो टेस्टेड है और आपको भी अच्छी लगेगी अगर आप इसको एक परचेज करके राइड करोगे। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा इसका फीचर सबसे अच्छा लग रहा है और कौन सा फीचर है जिसके लिए आप इसको परचेज करना चाहोगे। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, बाय।